तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि कैसे आप सिर्फ 19 साल की उम्र में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो अब काफ़ी लोग उसको बोल रहे हैं कि भाई एडिटेड है, फेक है, ये है, वो है। तो आज की इस वीडियो में सारे लोग के डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं और आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने सिर्फ 19 साल की उम्र में क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और एक अच्छी खासी लिमिट जो है बिना इनकम प्रूफ के मैंने क्लेम किया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो मुझे क्रेडिट लिमिट मिली है वो 25,000 रुपये की मिली है, बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी सैलरी स्लिप के। सिंपली से मैंने अप्लाई किया और HDFC बैंक ने 2 से 3 दिन में उसको अप्रूव कर दिया और अभी मेरे नेट बैंकिंग में वो शो भी हो रहा है कि 25,000 रुपये की आपको लिमिट मिली है। तो ये भाई कहना बंद कर दो कि बिल्कुल फेक है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा कि मेरी उम्र कितनी है। आप देख रहे होंगे ये आपकी स्क्रीन पर आधार कार्ड, इस पर मैं जो है कुछ बेसिक डिटेल्स जो है आधार नंबर वगैरह मैं छुपा दूंगा। और जो आप आधार कार्ड ऊपर देख रहे हैं ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है, ये कोई प्रिंटेड वाला आधार कार्ड नहीं है कि इसको मैं फेक बना लूंगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे मंथ जो है फरवरी का मंथ दिख रहा होगा आपको और जो साल दिख रहा होगा 2004 दिख रहा होगा। मैं आधार कार्ड की फ़ोटो भी नहीं ब्लर करूंगा, आप देख लीजिए मेरा फेस देख लीजिए, आधार कार्ड का फेस देख लीजिए, सिमिलर लगेंगे। और आधार कार्ड में कोई भी अच्छा नहीं लगता तो वैसे मैं भी वहाँ अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं 19 साल का हो गया हूँ और 19 साल की उम्र में कोई भी बैंक किसी को भी जो है क्रेडिट कार्ड नहीं देती है। क्रेडिट कार्ड आपको 23 साल के बाद या 23 साल की उम्र में ही मिलता है। बजाज हो, HDFC हो, IDFC हो, केनरा बैंक हो, SBI हो, कुछ भी हो, ये लोग 21 प्लस के बाद ही देते हैं। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको 19 साल के बाद मिल जाए, लेकिन जो मेरे केस में है सिर्फ 19 साल की उम्र में मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गया है। मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दे दिया, क्रेडिट कार्ड का भी प्रूफ मैंने दे दिया है और एक और वीडियो मैंने बना के रखी है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले लिंक जो होगी उस पर आप क्लिक करके जान सकते हैं कि कैसे आप जो है सक्सेसफुल तरीके से HDFC का क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं। तो उस वीडियो पे आपको जाना है और सारी चीज़ें देख लेनी है। लेकिन इस वीडियो में भी आपको मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक में आपका खाता होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है तो आपका एटलीस्ट वहाँ पे अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका वहाँ पे अकाउंट है तभी आप जो है एलिजिबल हैं, तभी आपको जो है मिल पाएगा बिना सैलरी के, बिना इनकम प्रूफ के, बिना किसी सिविल स्कोर के। अगर आपका अकाउंट नहीं है और आपको डायरेक्ट कार्ड चाहिए HDFC बैंक का, तो उसमें आपको सैलरी स्लिप की नीड हो सकती है या फिर अच्छे खासे सिविल स्कोर की हो सकती है। लेकिन जो भी नए लोग होंगे उनके नए केस में जो है उनकी ना सिविल अच्छी होगी, ना उनके पास सैलरी स्लिप होगी, ना उनको जो है कोई इनकम प्रूफ होगा। तो उस केस में आपको सिर्फ क्या करना है, HDFC बैंक में अकाउंट खुलवा लेना है आपके नियरेस्ट ब्रांच में जाके, या फिर आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। और उसके बाद जो है आप अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 3 से 4 दिन में उधर से मेल आ जाएगा कि आपका कार्ड अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो लिमिट कितनी मिली है वो आप अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करके उसमें देख सकते हैं, नहीं हुआ है तो वो लोग बोलेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम जो है ट्राई कर सकते हैं। लेकिन HDFC अगर आपसे बोल देता है कि नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि 6 महीने के अंदर वो आपको फिर से एक ईमेल करते हैं कि आपको हम कार्ड दे देंगे लेकिन उसकी लिमिट इतनी रहेगी, मतलब थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे मान के चलिए 30,000 आपको लिमिट मिलनी थी, लेकिन वहीं पे HDFC उसको घटा के 15,000 कर देगा, लेकिन आपको कार्ड दे देगा। डिक्लाइन होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा और अगर अप्रूव हुआ तो आपको विद इन 7 डेज मिल जाएगा। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको इस झमेले में नहीं पड़ना है। सिंपली से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे ऐसी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस डाली हैं कैसे आप जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड ले सकते हैं और आप अपनी हर शॉपिंग पे 5% तक बचा सकते हैं। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आती रहती हैं चैनल पे, तो मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आप भी ऐसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट रह रहा हो, कुछ भी जो है आपको पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप सिंपली हमें सीधे मैसेज कर सकते हैं। मैं एक एक मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और ये मान के चलिए कि मैंने ये जो सीरीज चलाई थी 1 साल पहले कि सभी को जो है क्रेडिट कार्ड दिलवा के रहूँगा, तो इस सीरीज को सफल आप लोग ही बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी भाइयों को जो है क्रेडिट कार्ड मिल जाता है मेरी बताए तरीके से, लेकिन वो लोग जो है अपना स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करते हैं कि भाई हाँ मुझे मिल गया है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं जो स्क्रीनशॉट शेयर भी करते हैं, ऑडियो भी भेजते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं कि आपकी वीडियो मैंने देखी थी, उसके बाद जो है मुझे इतनी लिमिट मिली, उतनी लिमिट मिली। तो उन सभी का धन्यवाद। लेकिन जो नहीं भेज रहे हैं भाई भेज दिया करो, क्योंकि ऐसे में जो नए व्यूवर्स हैं उनको ट्रस्ट होगा कि हाँ जो भी मैं रास्ता बता रहा हूँ बिल्कुल सही है और उस रास्ते पर चल के जो है उनको सक्सेसफुल तरीके से क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो फिर से मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।